आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो इम्पॉर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं एंड और क्या न्यू एसेसरीज आने वाली हैं एंड कैसे हम मैनेज करते हैं इन बच्चों का पूरा दिन। सबसे पहले हमने एंट्रेंस पे लगवाया है ईविल आई ताकि हर बुरी नज़र से बच्चे बचे एंड ऊपर हमने लद्दाख के कुछ मंत्र के जो आते हैं फ्लैग्स वो लगाए हुए हैं, ये काफ़ी फेवरेट है हमारे। सबसे पहले आपको अपना बड़ा फेवरेट झूला दिखाती हूँ मैं, ये है बेबी का झूला इलेक्ट्रिक एंड ये बड़ा ही प्यारा, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। तो ये एक हमारे पास बेबी हक्का क्रैडल भी है जो अभी स्पेस कम होने के कारण हमने दूसरे रूम में रखा है, जब नीड होती है तो हम वो लेकर आते हैं, अदरवाइज़ ये छोटा सा कॉम्पैक्ट है तो ये यहीं पर रखे रहते हैं। उसके बाद ये है इनका फूड स्टेशन फ़िलहाल का। तो एक हमारे पास है 6 बॉटल का स्टेलाइज़र, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बेबी हक्का है 6 in 1, तो इसमें 6 बॉटल्स एक साथ स्टेलाइज हो जाती है। केटल है गर्म पानी के लिए, इंडक्शन है जो हम दूध देते हैं उसको गर्म करने के लिए ताकि रात में हमें कहीं जाना आना ना पड़े। तो यहाँ पे हमने पूरा एक मिल्क स्टेशन या एक कहना चाहिए फूड स्टेशन बच्चों का बना रखा है। इसके बाद हम आते हैं, ये एक छोटी सी बच्चों की एक स्टोरेज टाइप की है, तो इसमें हम ताकि हमारे घर में पेट है तो उनके बाल ना लगे या समथिंग, तो हम यहाँ पर अंदर सारी बॉटल्स रखते हैं स्टरलाइज करने के बाद। यहाँ पे हम इनका मिल्क पाउडर हो गया एंड जो भी इनकी मेडिसिंस लगती है वो पूरी हमने अरेंज कर रखी है, तो वो हम यहाँ पे अंदर रखते हैं तो पेट्स के बालों से भी बच जाते हैं एंड थोड़ा मैनेज भी दिखता है। ये आजकल बेबीज़ ने देखना शुरू किया है तो पूरी हमने वॉल कलरफुल कर रखी हुई है कि भाई जो उनको दिखे बढ़िया मज़े आए। ये एक न्यू एसेसरी हमने एड ऑन किया, इट्स अ ह्यूमिडिफायर, बिकॉज अभी ठंड है तो हमें ब्लोअर यूज़ करना पड़ता है एंड हीटर यूज़ करना पड़ता है, तो ये ह्यूमिडिफायर बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप बेबीज के साथ हो तो, थोड़ा मॉइस्ट एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन रखता है ये, तो आई रियली लाइक इट। हमने अमेजोन से लिया था, काफ़ी चीप था ये, 500 कुछ का ही था बस, तो इट्स अ वेरी नाइस एंड हेल्पफुल एसेसरी, ये आप मंगवा सकते हो अगर आपको नीड लगे। ये अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली है, बिकॉज अभी तक बेबीज छोटे थे तो हम 2 कॉट यूज़ कर रहे थे, बट हम 1 कॉट ऐड करने वाले हैं। बेबीज़ की हाइट बढ़ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमें 1 कॉट ऐड करनी है, एक बड़ा टेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लोअर है जो हम रात में यूज़ करते हैं, ये एक टॉकिंग कृष्णा है, बड़ा ही प्यारा टॉय है, मतलब ब्यूटीफुल, ये मंत्र बोलता है तो बच्चे थोड़े पूजा पाठ सीखेंगे। एंड अभी की एज के हिसाब से मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर कर रखी हैं, तो इट्स अ टमी टाइम बुक, इट्स वेरी हेल्पफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो हम इससे बच्चों को कुछ कलर एंड वो सब डिफरेंशिएट बता सकते हैं। इसमें टच भी है, इट्स लाइक व्हेल टच एंड यहाँ पे क्लाउड टच है, तो इससे बच्चे जो कुछ अच्छी चीज़ एटलीस्ट बुक की हैबिट लगेगी उनको, तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल बुक। ये मैंने एक ऑर्डर की थी एंड एक मैंने ये बेली बटन बुक ऑर्डर की थी, ये भी बड़ी ही प्यारी सी बुक है, तो अगर आप चाहते हो आपके बेबीज़ को बुक्स पसंद आए तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दीज स्मॉल ब्यूटीफुल बुक्स। सो देयर आर सम बुक्स, फ्यू टॉयज जो हैं, जो एक पुत्र को थोड़ी सर्दी हो रखी है तो उसको कफिंग चल रही है, तो यहाँ पे हमने वो सामान रखा है जो हमें एवरी आवर चाहिए रहता है, छोटे छोटे से टॉयज एंड ऑल, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ, दिस इज़ आर हनी हनी कॉट, उसके ऊपर हमने स्पाइडरमैन रखा, बिकॉज बच्चे कब कहाँ देखे नहीं पता है, तो ये यहाँ रखने से काफ़ी फ़ायदा होता है, वहीं पे देख रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं। एक ये हमारी कॉट है, सेम ऐसी हमने एक और ऑर्डर कर रखी है हनी हनी की, ये बाद में टॉडलर बेड भी बन जाता है एंड स्टडी टेबल भी बन जाता है, इट्स वेरी यूजफुल। ये एक हमारी बेबी हक की कॉट है जिसमें एक बच्चा सो ही रहा है अभी, क्या हो गया, ये कुछ हमने वॉल आर्ट लगाए हुए थे, ये आप ऊपर देख सकते हैं, एक वुमेन का फिगर है, उसके अंदर उसका हस्बैंड एंड बेबी है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी डीप थॉट वाला था, ये मैंने बेबीज आने के पहले ही मंगवा लिया था। एंड ये ड्रीम कैचर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ अ रिक्लाइनर जो कि एक मदर चेयर है, तो मैं इसमें अब आपको बैठ के दिखाती हूँ।
तो इट्स लाइक जब हमें इनको फीड करवाना है तो काफ़ी कंफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक बटन पुश करने से पूरा ओपन हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। ये हमने होम सेंटर से लिया हुआ था, डीबी मॉल से, एंड काफ़ी ईजिली ये बंद भी हो जाता है, एक पुश के साथ ये बंद हो गया। रात में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए अगर सोने का, तो ये हमने छोटा सा कॉम्पैक्ट बेड रख रखा है। बाकी आप देखोगे सब जगह कुछ भी लगा हुआ है, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ कितने का भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बलून था जो इनका बड़ा फेवरेट था, वो पिचक गया है, उसकी हवा निकल चुकी है, बट हमने उसको दीवार पे लगाया है बिकॉज ये काफ़ी फेवरेट है, कभी भी रो रहे हैं उसको देखेंगे तो बात करने लगेंगे। ट्रिपलेट्स में आपको नहीं पता है कि आपने कब किसको क्या खिलाया क्या पिलाया, ठीक है? तो चूँकि ये छोटे बच्चे हैं, हमें इनको कैल्शियम देना है, विटामिन डी देनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने एक बोर्ड बना रखा है, आनंद, दिव्य एंड वियान। हमने तीनों बेबीज का नाम अलग लिख के ये पूरा फूड टाइम लिखते हैं, किसने कब दूध पिया है, तो आप देख सकते हैं 8 AM, 10, देन 1 PM, ये हो गया मिल्क सेक्शन। फिर हमने कैल्शियम का लिखा, हमें तीन टाइम देनी है, तो हमने उसको भी डिवाइड करके लगाया हुआ है कि भाई कब किस बच्चे ने, ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो एंड कुछ मिस ना हो। देन इट्स विटामिन डी, इट्स बोनिसन, इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मेडिसिन, इट्स आयरन, एंड अभी वियान थोड़ा बीमार चल रहा है, तो ये वियान का हमने अलग से नाम लिखा हुआ है, एंड पैरासीटामोल उसको देनी है, तो वो लगाया हुआ है कि हाँ भाई ये पी चुका है एक डोज दवाई का। तो इस तरीके से हम लोग इनका खाने पीने का टाइम अभी फ़िलहाल मैनेज कर रहे हैं, एंड लकीली अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। ये एक मैंने अभी बेबी सोफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर किया था, काफ़ी सर्च करने के बाद, क्योंकि अब बच्चों को बैठने का काफ़ी शौक हो रहा है, तो अगर उन्होंने डकार नहीं लिए बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दूध पिलाने के बाद, तो हम थोड़ी देर इसमें बैठा सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, अभी तो बेबीज़ को बहुत पसंद आ रही है, एंड ये रिक्लाइनर भी बन जाता है, तो ऐसे हमने खोल दिया, तो बेबी और फैल के लेट सकता है। आई थिंक ये बाद में भी थोड़ा काम आएगा मुझको, एंड तीन बच्चे हैं तो सब पैसा वसूल है, कोई भी एसेसरीज आप मंगवाओ वो यूज़ हो ही जाती है। ये बड़ा प्यारा सा एक हमने सोफ़ा मंगवा रखा है अभी मिक्की वाला। ये है बच्चों की आयरिस दीदी, मदर सोफ़ा का पूरा यूज़ यही कर रही हैं, दिनों या रात इनको पहले बैठना है आकर। हमने पहले से बहुत सारी बाथिंग एसेसरीज ले रखी थी, फिलहाल तो हम टब यूज़ कर रहे हैं जो कि वॉशरूम में रखा हुआ है, बट इनकी मैं आपको अलमारी चेक करवाती हूँ, इनकी अलमीरा में क्या क्या है। तो ये तो कुछ हमने झूल टॉयज़ वगैरह लगा रखे थे, ये सबसे पहला इनका बाथिंग एसेसरी था जो कि मुझे शुरू में बहुत काम आया था। ये भी बेबी हक का ही है, ये अब यूज़फुल बिल्कुल नहीं है बिकॉज सिर्फ ये बाथ टब में ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, एंड दे आर ओनली 4 मंथ्स ओल्ड, बट आई थिंक 2nd मंथ से ही बाथ टब में शिफ्ट हो चुके थे। एंड ये हमने कुछ इनके कपड़े हैंग करके रखे हुए हैं, ये एक बास्केट बनाई है जिसमें कैप्स हैं, सॉक्स हैं, मिटन्स हैं, ताकि रात में ईजिली मिल जाए। ये एक डलिया बना रखी है, इसमें बेसिकली हैंकीज हैं, बेब्स हैं। यहाँ पे कुछ शर्ट्स रखी हैं, वनेसेज है, रोम्पर्स हैं, बॉक्सेज है, इसमें जितने भी एक्स्ट्रा पैंट्स हमको रात में चाहिए हैं, नैपीज चाहिए हैं। ये नीचे थोड़ा ठंड का सामान है, अगर कुछ शॉल टाइप का हमको चाहिए, इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये एक इनका मेडिसिन का एक और बॉक्स है, बाकी इतनी ज़्यादा एसेसरीज, इतने सारे टॉयज़ हैं, वो मैंने नीचे डंप करके रखे हुए हैं फ़िलहाल। कार सीट्स, माय गॉड, ये मुझे इतनी ज़्यादा यूज़फुल थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने 3 R4 Rabbit से कार सीट ले रखी थी, तो आई कैन यूज़ इट लाइक अ बैसिनेट ऑल्सो, मैं कभी उनका मन हुआ बैठाने का तो बैठाती भी हूँ, एंड कहीं भी जाएंगे तो ये ज़रूर रखती हूँ मैं, बिकॉज इसमें कम्फर्टेबली वो सो भी लेते हैं 1-2 घंटा आराम से। तो येस, आई डू हैव 3 car seats प्लस बैसिनेट्स, एंड ये तीनों R4 Rabbit की ही हैं। बीच बीच में ये चलते ही रहेगा बिकॉज कोई ना कोई बच्चा उठता रोता रहता ही है। ओके, तो आज हमने आपको एक बेसिक इनके सोते हुए का टाइम चूज़ किया था ताकि ये डिस्टर्ब ना करें बच्चे, तो इतनी एसेसरीज हमने आपको बताई, इस तरीके से हम इनका टाइम मैनेज करते हैं, खाने पीने का, दवाइयों का, एंड बहुत जल्द हम थोड़ा सा न्यू सेटअप के साथ इनका रूम दिखाएंगे जब इनकी न्यू कॉट आ जाएगी, टेबल आ जाएगा, एंड आई होप सो कि उस टाइम पे बच्चे ना सोएं, ताकि आपको उनकी थोड़ी फन भी दिखे, उनका रोना भी दिखे, उसमें अलग मज़ा है। बाय गाइज़।